विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे आपके आगमन का आभास ही नहीं हुआ। मेरे द्वारा आपको जागृत करने की इतनी चेष्टा के बाद भी आपको मेरा आभास नहीं हुआ, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड को ज्ञात हो गया। पृथ्वी के और सौर मंडल के कण कण तक मेरे डमरू का स्वर पहुंच गया, किंतु वो स्वर आपके कानों को भेद नहीं सका। यहाँ तक कि वैकुंठ में स्थित श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी को भी मेरे होने का आभास हो गया, किंतु आपको नहीं हुआ। अनुशासन खो चुके देवताओं को भी मेरे यहाँ होने का आभास हो गया और उन्होंने भी मुझे प्रणाम कर मेरा स्वागत किया, किंतु आप स्वयं में ही डूबे रहे। प्रतीत होता है देवताओं में अभी भी व्यवहारिक अनुशासन शेष है, किंतु आप नहीं। इसलिए आपको उसका दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए। मुझे ज्ञात है प्रभु, आपका अभिवादन करने में मुझसे विलंब हुआ, किंतु मुझे आपके आगमन का आभास ही नहीं हुआ। प्रभु इस भूल के लिए आप जो भी दंड मुझे देना चाहें मुझे सहर्ष स्वीकार है। यदि इस भूल के लिए आप मेरा शीश मेरे तन से विलग करें, ये भी मुझे स्वीकार है प्रभु। देखिए देवी पार्वती, प्रभु महादेव के क्रोधांश और स्वामी के शीतलांश एक दूसरे के सम्मुख है। अब तो कुछ कीजिए देवी, क्योंकि मेरे स्वामी की शीतलता भला प्रभु महादेव की ज्वाला का सामना कैसे करेगी। अति किसी की भी हो वो कभी भी उचित नहीं होती, इसीलिए शीतलता और क्रोध दोनों का ही उनके चरम पर होना सर्वथा अनर्थकारी प्रमाणित होता है, और इन दोनों में संतुलन स्थापित करना अनिवार्य है। और संतुलन तो भ्राता श्री हरि नारायण का ही स्वभाव है, और भ्राता नारायण ही प्रभु महादेव का क्रोध शांत कर सकते। भ्राता नारायण प्रभु महादेव का क्रोध शांत कर सकते। मुझे आपके आगमन का आभास ही नहीं हुआ। आप जो भी दंड मुझे आप जहां के आगमन का आभास स्वीकार से रख कर ये भी मुझे स्वीकार। मैं अचंभित हूँ ब्रह्मदेव, एक तो आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है और फिर भी आप मेरे समक्ष शांत और शीतल होने का प्रयास कर रहे हैं। आपके द्वारा ऐसे आचरण से तो स्पष्ट है कि संसार से अनुशासन संपूर्ण रूप से मिट चुका है, जिसका आरंभ आपसे ही होता है।
इसलिए नियम और अनुशासन के पालन हेतु एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको शापित करता हूँ। देवी सरस्वती, मैं भ्राता श्री हरि नारायण की इसी संतुलित अंश का उल्लेख कर रही थी। देखिए देवी, किस प्रकार इस अंश के उत्पन्न होते हैं। महादेव के क्रोधांश से ब्रह्मदेव की शीतलता का बचाव हो गया है। और महादेव ने भी अपने क्रोधांश पर नियंत्रण स्थापित करना आरंभ कर दिया है। स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं महादेव, किंतु मैं यहां उपस्थित होने के लिए विवश था ताकि आपको यह आभास करा सकूं कि आप अपने क्रोध के आवेग में ब्रह्मदेव के शीतल और शांत व्यवहार को उनका अहंकार समझ रहे हैं। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, किंतु मैं आपका भी ध्यान इस ओर इंगित करना चाहता हूं कि आपके शांत और शीतल स्वभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूर्ण घटनाक्रम से आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। महादेव का आपके लिए प्रतीक्षा करने के लिए विवश होना और उनका क्रोध, दोनों को अनदेखा कर दिया आपने, किंतु यही नियत भी था क्योंकि हमारे अवतारों को माता अनुसुईया के संतान के रूप में अभी प्रकट होना शेष। मुझे विश्वास कि आपको भी माता अनुसुईया की ममता का अनुभव अवश्य स्मरण होगा जिसे हम पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं। अंशों को तो उत्पन्न होना ही था, अब माता अनुसुईया द्वारा उन्हें प्राप्त करने का समय आ गया है जिससे हम अवतार ले सकें।
नाथ नाथ अब शीघ्र ही वो अद्भुत और अद्वितीय घटना घटित होगी जिसकी हम सब इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी के अवतार का आगमन हो चुका है। शिशु कितना दिव्य और सुंदर स्वरूप है इस शिशु का। देवी क्या हो रहा है? इनके तीसरे शिशु के जन्म में इतना विलंब क्यों हो रहा है? स्वामी, आपके अवतार के जन्म में ऐसी बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है? नाथ, आपके और ब्रह्मदेव के अवतारों का तो जन्म अत्यंत शीघ्र हो गया, किंतु भ्राता श्री हरि नारायण के अवतार क्यों नहीं प्रकट हो रहे? स्वामी, इस विलंब का कारण तो मुझे भी ज्ञात नहीं। संसार में अकारण कुछ नहीं होता, अवश्य इस विलंब का भी कोई कारण होगा। देवी, महादेव के क्रोधांश से मेरा बचाव करते समय श्री हरि नारायण के अंश का कुछ हास तो हुआ था, कदाचित यही कारण है इस विलंब के पीछे। मेरी क्रोधाग्नि के कारण ही प्रभु श्री हरि नारायण के संतुलित अंश अपूर्ण रह गए, मुझे उन्हें पूर्णता प्रदान करनी होगी। उन्होंने मेरी ढाल बनकर मेरा बचाव किया, इसके कारण उनके अंश अधूरे रह गए, उन्हें पूर्ण करना होगा मुझे।
श्रेष्ठतम है, जिनका समस्त ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान है, उन तीनों प्रभु अर्थात त्रिदेवों ने माता अनुसुया के पुत्रों के रूप में एक साथ जन्म लेकर अवतार लिया। किंतु ईश्वर के प्रत्येक अवतार का तो एक विशेष उद्देश्य होता है लंकेश, तो यहाँ त्रिदेवों के जन्म का क्या कारण था? अनुशासनहीनता। सामान्य रूप से मनुष्य अनुशासनहीनता को इतना महत्व नहीं देते, उनके अनुसार तो वो एक छोटा सा विकार ही होता है। तो लंकेश, फिर अनुशासनहीनता के कारण सृष्टि पर इतना बड़ा संकट कैसे उत्पन्न हो सकता था, जिसका सुधार करने एवं पुनः अनुशासन स्थापित करने हेतु स्वयं प्रभु महादेव को अवतार लेना पड़ा? गौरी पुत्र, अनुशासनहीनता तो सभी बुराइयों की जड़ है, जो अनेक रूपों में प्रकट होती है, जिनमें से एक है समय को लेकर अनुशासन ना होना, जिसके कारण मनुष्य प्रकृति के विपरीत आचरण करते हैं। वो दिवस में सुप्ता अवस्था में रहते हैं और रात्रि में जागृत होते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी बुद्धि पर भी कुप्रभाव होता है, और प्रकाश रहित रात्रि का गहन अंधकार तो अधर्म को ही जन्म देता है। गौरी पुत्र, अब मैं आपको बताऊंगा अनुशासनहीन आचरण के कारण। एक मनुष्य के किसी भी कर्म को करने के चार मुख्य प्रेरणा स्रोत होते हैं, अर्थात इच्छा, वासना, आशा और तृष्णा। सभी नकारात्मकता की ओर बढ़ते जा रहे थे, जो सर्वथा अनुचित है, जिसके कारण मनुष्य धर्म विरुद्ध व्यवहार करने लगे, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अयोग्य वंशजों द्वारा अपने ही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और योग्य राजाओं का वध कर उनके सिंहासन पर स्थित होना। अब मैं बनूंगा राजा। फिर काम और क्रीड़ा वासना, कर्म वासना अर्थात अच्छे कार्य करने की प्रेरणा का स्थान लेने लगे। राजा का जन्म आनंद लेने के लिए ही होता है। कठिन श्रम से उत्पन्न आशा का स्थान एक भ्रामक आशा के भाव ने ले लिया, जिसके अनुसार मनुष्यों के मन में यह मान्यता स्थापित हो गई कि कर्म किए बिना ही उन्हें फल प्राप्त हो जाएगा, जिसके कारण संसार में आलस्य बढ़ने लगा। मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, मेरी भूमि पर तो अच्छी फसल स्वयं ही उत्पन्न होगी। सबसे अधिक थी तृष्णा अर्थात असीमित लालच, दूसरों को भयभीत कर उन्हें ठग कर उनका धन प्राप्त करना, जिसके कारण ऐसे उन्माद योद्धा भी उत्पन्न हुए जो अपने स्वार्थ हेतु असहाय जीवों का भी रक्त बहाने के लिए तत्पर थे। और ऐसा भूलोक में ही नहीं, पाताल लोक के साथ स्वर्ग लोक में भी होने लगा। गौरी पुत्र, मनुष्य और असुर तो अंधकारी आचरण करने ही लगे थे, किंतु अब तो देवता भी अनुशासनहीनता की सीमाएं लांघने लगे थे। नियमों का पालन और विनयशीलता के साथ अनुशासित रहना तो जैसे वो भूल ही गए थे। वायु देव ने वायु को अपनी इच्छा अनुसार प्रवाहित होने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। वरुण देव ने भी अपने जल को अनियंत्रित छोड़ दिया था। सूर्य देव इच्छा अनुसार ही प्रकट होते, डूबते अथवा प्रचंड होते। यहां तक कि देवराज इंद्र के मनोदशा के अनुसार ही
ऋतु निर्धारित होने लगी। जब वो प्रसन्न होते थे तब वर्षा होती थी, और जब वो दुखी होते थे तो सूखा पड़ता था। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु हमारी सहायता कीजिए। वो और उनके सहयोगी देवता समय, नियमों और अपने दायित्वों का अनुशासन भूलकर मदिरापान और स्वर्ग के अप्सराओं के नृत्य के आनंद में डूबे रहने लगे। फिर तो देवता भी अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति अनुशासनहीन होकर सर्वथा बुराई के पथ पर थे लंकेश। इसलिए सबसे बुरा भी उनके साथ ही होने वाला था गौरी पुत्र। लंकेश, इस कथा के तो अभी तक तीन मुख्य संकेत हैं। प्रथम, मानव दानव और देवताओं को इसका ज्ञान भी नहीं था कि अनुशासनहीनता के कारण त्रिलोक अव्यवस्था एवं विनाश की ओर बढ़ रहे थे और शीघ्र जगत में अनुशासन स्थापित करने की आवश्यकता थी। द्वितीय, रात्रि के अंधकार में पाप कर्मों को बढ़ावा प्राप्त हो रहा था और शीघ्र सृष्टि के इस अधर्म के अंधकार को मिटाने हेतु एक मार्गदर्शक का प्रकट होना अनिवार्य था। और तृतीय, एक मनुष्य के चार प्रेरणा स्रोत अर्थात इच्छा, वासना, आशा और तृष्णा अत्यंत तीव्रता से अनियंत्रित होकर नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे थे, जिसके कारण अधर्म में वृद्धि हो रही थी। इसलिए मनुष्य के इन चारों मूल प्रेरक स्रोतों को भी नियंत्रित करना अनिवार्य था। आप तो इस कथा का सार भली भांति समझ गए हैं गौरी पुत्र। कदाचित इसलिए आपको ज्ञान विधाता भी कहा जाता है। तो अब मैं और स्पष्ट कर दूं गौरी पुत्र, रात्रि के मार्ग को प्रकाशित करने वाले मार्गदर्शक का होना, यही तीन मुख्य कारण थे त्रिदेवों के अवतार के। तो फिर लंकेश, किन प्रभु के अवतार ने किस दायित्व को निभाया और कैसे? इसमें तो तीनों का ही योगदान था। प्रथम समस्या का समाधान तो श्री हरिनारायण के अवतार ने किया, जिनमें प्रभु शिव शंकर शंभु और पितामह ब्रह्म देव की आंशिक शक्तियां भी समाहित थी, इसलिए वो तीन शीश के साथ प्रकट हुए थे और उनमें तीनों देवों के गुण भी थे। तब तो वो अवश्य प्रभु दत्तात्रेय ही रहे होंगे। प्रभु दत्तात्रेय तो योग गुरु होने के साथ गुरुओं के भी गुरु थे और एक ऋषि समान जीवन व्यतीत करने के साथ आदि गुरु कहलाए। जैसे जैसे उनकी आयु में वृद्धि होने लगी, प्रभु दत्तात्रेय ने जीवन के 24 सिद्धांत स्थापित किए और उन्हें पूर्ण रूप में अपने जीवन का भाग बना लिया। उन्होंने चार प्रेरणा स्रोतों अर्थात इच्छा, वासना, आशा और तृष्णा पर भी नियंत्रण प्राप्त किया। योग गुरु होने के नाते उन्होंने संसार को भी यही सीख दी कि यदि मनुष्य स्वयं को संतुष्ट रखना सीख जाए तो वो इच्छा, वासना, आशा और तृष्णा के वश में होने के स्थान पर स्वयं उन्हें अपने वश में रखने में सक्षम हो जाता है। जो चार श्वान प्रभु दत्तात्रेय के निकट दिखाई देते हैं, वो मनुष्य के इन्हीं चार आंतरिक प्रेरणा स्रोतों के ही द्योतक हैं और उनके निकट गौ माता की उपस्थिति पंच तत्व एवं संतुष्टि की प्रतीक है। तो इस प्रकार प्रभु दत्तात्रेय ने अनुशासन के पथ पर आने वाली प्रथम बाधा को दूर किया और दूसरी बाधा का निवारण किया मेरे पितामह प्रभु ब्रह्मदेव के अवतार ने, माता अनुसुईया के दूसरे पुत्र प्रभु ब्रह्मदेव के अवतार और कोई नहीं स्वयं चंद्रदेव ही हैं। अर्थात रात्रि काल में प्रकाशित रहकर प्रभु ब्रह्मदेव ने चंद्र के रूप में रात्रि काल में होने वाले पापों को रोकने हेतु मानवता को रात्रि प्रकाश रूपी मार्गदर्शन प्रदान करना आरंभ किया।
अनुशासन विहीनता से उत्पन्न अशुद्धताओं को चंद्र और प्रभु दत्तात्रेय ने दूर किया, किंतु अभी भी वास्तविक समस्या तो शेष ही थी और उसे दूर करना प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार का दायित्व था, जिन्होंने दंड देकर मनुष्य में नियमों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति को सुधारना आरंभ कर दिया और उनकी इस कठोरता के कारण उन्हें ऋषि दुर्वासा के नाम से सभी जानने लगे। ऋषि दुर्वासा जो अनुशासन और क्रोध के पर्याय थे। अनुशासन भंग होने पर किसी को क्षमा ना करने वाले ऋषि दुर्वासा ने तो अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया। इतना ही नहीं, उनके क्रोध का भाजन तो एक बार देवता भी बने, जब उन्होंने स्वर्ग लोक को भी श्रीहीन होने का शाप दे दिया था। संपूर्ण स्वर्ग लोक श्रीहीन हो गया। और इसी शाप के कारण देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ धाम का त्याग कर दिया। ये उन्हीं दुर्वासा ऋषि की कथा है गौरी पुत्र, जो अब मैं आपको आगे सुनाने जा रहा हूं। जिस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर प्रकृति अपनी रिक्तता को स्वयं भर लेती है, उसी प्रकार ईश्वर भी समय समय पर संसार की रिक्तता को अपनी लीलाओं से भर देते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.